जम्मू के कटरा में श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे नवनिर्मित मार्ग को लेकर आधार शिविर कटरा के पंचवटी कॉन्टिनेंटल होटल में नगर के दुकानदारों सहित मंत्री अजय नंदा व पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा के साथ मिलकर एक बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में दुकानदारों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रविवार को श्राइन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक कर ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में श्राइन बोर्ड के समक्ष अपनी मांगे रखी जाएगी और साथ ही बाण गंगा के दुकानदारों के द्वारा शनिवार को दुकानों को खोल दिया गया है। तो वहीं बातचीत के दौरान दुकानदारों ने बताया है कि रविवार को श्राइन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। यदि श्राइन बोर्ड हमारी मांगों को मान लेता है तो हम अपने प्रदर्शन को यहीं खत्म करेंगे। यदि श्राइन बोर्ड हमारी मांगों की अनदेखी करता है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस बैठक में राज्य मंत्री व स्थानीय विधायक अजय नंदा के साथ साथ पूर्व विधायक बलदेव राज शर्मा, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमरीश मंगोत्रा सहित अन्य दुकानदार उपस्थित थे। कि आज बेसिकली कटरा जो हमारा बेस टाउन है वहाँ की आज लोगों की मीटिंग थी। सारे जो इसमें हमारे लोग आए थे भिन्न भिन्न पार्टियों से, उन्होंने अपनी बात रखी है इस जो नए ट्रैक को लेकर, इस इशू को लेकर। वो बात अब मेरे ध्यान में आई है, हम कल जैसे वो कमेटी आएगी हम उस कमेटी में देखेंगे लोगों की, जो हमारे कटरा में भी लोगों की कमेटी एक फ्रेम हुई है, वो बात अपनी वहाँ पे रखेंगे। और अब पुराना द्रूड़ की भी कुछ समस्या है जो उन बाणगंगा और पुराना द्रूड़ के लोगों की, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी भी जो बात आएगी फिर वो इसको हम दोनों को देख कर वो बात जो है कल कमेटी में हम रखेंगे। देखिए इसी चीज़ को लेकर कि ऐसे हालात पैदा ना हो जो आप नंदनी की तरह बोल रहे हैं, इसी के लेकर हम बातचीत जो है कटरा के लोगों की भी कर रहे हैं और बाणगंगा के लोगों से भी कर रहे हैं। और जो भी फैसला होगा हमारा यही कहना है कि जो भी फैसला ले वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, और इसीलिए हम स्टेक होल्डर से, लोगों से पूरी उनसे बात कर रहे हैं, उनसे क्या नफ़ा है क्या नुकसान है इन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखकर जो है कल कमेटी आ रही है उनसे हम बात रखें। असल में जो श्राइन बोर्ड का ये मुद्दा जो आपने कहा है ना, ये एक बड़ी पुरानी बात है और उसमें कहा भी है, यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने, ये बात चल रही है और उनको किसी तरीके से वो उनको नेगोशिएट भी हो रहा है, वो उनको सेटल करने के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कर रहा है। रही बात जो आप दुकानदारों की बात कर रहे हैं, उसमें एक गवर्नर साहब ने मीटिंग तक बुलाई है जिसमें कल मीटिंग होगी और कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा कि जिससे उनको नुकसान ना हो। परिवर्तन संसार का नियम है और जब परिवर्तन होता है किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है, वो सहने के लिए और कोई ना कोई श्राइन बोर्ड को भी चाहिए कि सारी चीजों को कंपनसेट करें। सर,